गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी सॉल्यूशंस विद सूर्य प्रकाश। टुडे इज अ ग्रेट डे। लास्ट टाइम हमने किया था इंस्पिरेशन इन केस ऑफ फ्रॉग्स, पल्मोनरी रेस्पिरेशन में हमने इंस्पिरेशन को खत्म किया था, और आज बिना टाइम वेस्ट किए हुए लेट अस स्टार्ट एक्सपायरेशन। नाउ एक्सपायरेशन इन फ्रॉग्स, नाउ एक्सपायरेशन का मतलब क्या है? एक्सपायरेशन का हम एक सिंपल सा मीनिंग है, रिमूवल ऑफ फाउल एयर। रिमूवल ऑफ फाउल एयर का मतलब कि हमें किसकी रिमूवल करनी है? रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमने ऑक्सीजन लास्ट लेक्चर में हमने इंस्पिरेशन में पढ़ा था कि किस तरह से लंग्स के अंदर जाती है, देयर इज लोअरिंग ऑफ द बक्कल कैविटी, है ना, ये हमने पढ़ा था। और उसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था, जैसे ही लोअरिंग ऑफ द बक्कल कैविटी होती है ड्यू टू द कंट्रैक्शन ऑफ द मसल्स, एयर एंटर्स इनटू द बक्कल कैविटी, अंडरस्टूड, देन रेजिंग बाय अगेन कंट्रैक्शन ऑफ सर्टन मसल्स, और ग्लोटिस ओपन होता है एंड एयर एंटर्स इनटू द लंग्स। यानी जब आप सोचने वाली बात है, आज जो बात क्यों मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, वो आप अगर ध्यान से लेक्चर को सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि जब ग्लोटिस ओपन होता है तो एयर एंटर करती है, ये याद रखिएगा। लेट अस स्टार्ट नाउ, लेट अस डायग्राम एक ड्रॉ करते हैं और हम देखते हैं कि अल्टीमेटली यहां होगा क्या। देखिए, ये फ्रॉग हमने लास्ट टाइम इस तरह की ही कुछ डायग्राम ड्रॉ की थी, और यहां पर हमारे पास क्या आ जाता है, द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स ड्रॉ कर लेते हैं, और यहां पर हमारे पास आ जाती है द टंग, बाइफिड टंग होती है। इसके साथ साथ अब हम आ जाते हैं बक्कल कैविटी पर, और ये हमारी बक्कल कैविटी है। यहां पर कुछ मसल्स होते हैं, हमने वो भी बात की थी, वो क्या था, मेंटोमेकेलियन मसल्स हेयर प्रेजेंट, मेंटोमेकेलियन सॉरी बोन विच इज प्रेजेंट हेयर। यहां पर एक और बोन थी जिसे हमने क्या कहा था। अब हम इस तरह से चलते हैं, इसकी जो एक्सपायरेशन है वो यहां से स्टार्ट होती है। हम इस तरह से ले लेते हैं, देयर इज लोअरिंग ऑफ द बक्कल कैविटी, हम यहां से स्टार्ट करेंगे। दिस वन इज द स्टर्नम, और सॉरी दिस वन इज द हायोइड अपरेटस, ये हायोइड अपरेटस है, ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर दी, थोड़ा सा डार्क कर रहा हूं। एंड देन इसी के ऊपर हमने क्या ड्रॉ किया था, द स्क्वेयर मसल बोन ऑफ द स्कल, क्लियर, ये सारी चीजें वही हैं। और जिनको नेचुरली ये चीजें नहीं पता लग रही, वो लास्ट लेक्चर देखेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए यहां पर क्या थे, देयर वर प्रेजेंट सर्टन मसल्स, और वो मसल्स क्या थे, ये यहां पर देयर आर ये वाले मसल्स हैं विच आर प्रेजेंट अपर साइड, एंड देयर आर सर्टन मसल्स हेयर इन दिस रीजन, इसी हायोइड अपरेटस के नीचे है, यही हायोइड अपरेटस के नीचे हम बाद में लेबल करते हैं इसको। यहां पर आपको ये एक और स्ट्रक्चर इसको अटैच्ड मिलेगा। अब ये क्या है, जल्दी से हम डायग्राम ड्रॉ कर ले, और ताकि फिर हमें सारी चीजें पता, और ये आपके एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत अच्छी डायग्राम रहेगी, सिंपल। इसके बाद लेट अस यहां से ले लेते हैं, और यहां से अंदर ले लेते हैं, और ये हमारे पास आ गए लंग्स में एयर फिल्ड है, ग्लॉटिस ओपन है, ऑइसोफेगस, और यहां से चल। अब देखिए, देर आर कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो नीचे वाले मसल्स यहां दिखाई दे रहे हैं, ये कौन से थे, अगर आपको याद हो तो ये थे हमारे स्टर्नोहायल मसल्स, these are
स्टेनोहाइल मसल्स। समझने की कोशिश कीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। और ये जो हमारे ऊपर वाले मसल्स हैं, ये कौन से मसल्स हैं? दीज आर पेट्रोहाइल, पेट्रोहाइल मसल्स। अब हमने इंस्पिरेशन में क्या पढ़ा था? इंस्पिरेशन में हमने कहा था कि जब ये स्टर्नोहाइल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, देयर इज लोअरिंग ऑफ द बकल कैविटी, है ना, यहां बकल कैविटी की स्पेस बढ़ जाती है। और जब पेट्रोहाइल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बकल कैविटी जो है वो छोटी हो जाती है, देयर इज रेजिंग ऑफ द बकल कैविटी। बकल कैविटी ऊपर को रेज करती है तो ये छोटी हो जाती है। लेकिन अब एयर जो है, हम यहां से लेते हैं, बात करते हैं, एयर जो है इसके अंदर आ चुकी है, ऑक्सीजन इसके अंदर है, ग्लॉटिस ओपन है। चलिए इसको भी लेबल कर लेते हैं, ग्लॉटिस ओपन, ठीक है, क्लियर। अब देखो होता क्या है, यहां एक चीज मैं कहूंगा कि अब रीसेंट फाइंडिंग्स, अब एक्सप्लेनेशन तो हम कुछ भी देंगे, लेकिन रीसेंट फाइंडिंग्स क्या है कि ये जो नोस्ट्रल है ना, ये हमेशा फ्रॉग्स में खुला ही रहता है, ये बंद नहीं होता है। देयर इज मिक्स्ड एयर विच एंटर्स इनटू द लंग्स, तो इसीलिए लंग्स जो है इनएफिशिएंट हो जाते हैं, हम कहते हैं इनएफिशिएंसी ऑफ द लंग्स, क्योंकि मिक्स्ड एयर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों मिक्स ही इसके अंदर चली जाती है। अब देखिए होता क्या है, अब हम असल बात पे आ जाते हैं। यहां क्या है कि जब ऑक्सीजन एंटर करती है, लंग्स का साइज बढ़ता है, इन्फ्लेट होंगे, इनके अंदर प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन इसके आजू बाजू ना, यहां पर देयर आर प्रेजेंट एब्डोमिनल मसल्स, ये एब्डोमिनल मसल्स इसके आजू बाजू, ये एब्डोमिनल मसल्स भी क्या करते हैं, इसके ऊपर प्रेशर डालते हैं। इसके ऊपर क्या डालेंगे? प्रेशर डालेंगे। देखिए ये इसके ऊपर जब ये इन्फ्लेट करेगा तो लंग्स के ऊपर ये एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ग्लॉटिस यहां खुलेगा, खुला ही रहता है, ग्लॉटिस खुलेगा, खुला ही रहेगा, और देयर इज कंट्रैक्शन ऑफ द स्टेनोहाइल मसल्स। स्टेनोहाइल मसल्स अंडरगो कंट्रैक्शन और देयर इज लोअरिंग ऑफ द बकल कैविटी। बक्कल कैविटी क्या हो जाएगी? लोअर हो जाएगी, यानी नीचे को आ जाएगी। अब इसका साइज क्या हो गया? अगर आप देखिए तो बक्कल कैविटी का साइज काफी बड़ा हो गया है। एयर क्या करेगी? अब यहां से क्या होगा? एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये बड़ी हो गई, और यहां से नॉस्ट्रिल्स जो है ये क्या हो जाते हैं? दे बिकम क्लोज्ड, नॉस्ट्रिल्स क्लोज्ड। ये बिल्कुल उसका उल्टा है जो हमने इंस्पिरेशन में पढ़ा है। मैंने कहा ना, ये उन्हीं को समझ आएगा जिन्होंने पहला लेक्चर देखा है। नॉस्ट्रिल यहां क्लोज हो गए, जबकि इंस्पिरेशन में ऐसा नहीं होता था, इंस्पिरेशन में ये खुले रहते थे। ग्लॉटिस जो था वो बंद रहता था, यहां उल्टा हो रहा है। बिल्कुल मैंने जो बात कही थी, देखो अगर आप दोनों एक लेक्चर्स को देखोगे, दोनों की डायग्राम्स देखोगे, तो तब आपको समझ आएगा कि ये हो क्या रहा है। तो देखिए हो क्या रहा है, देयर इज लोअरिंग, लोअरिंग ऑफ बक्कल कैविटी, लोअरिंग ऑफ बक्कल कैविटी। पहला पॉइंट तो ये आ गया, अब मैं यहां नहीं लिख रहा हूं, यही ले रहा हूं। देन देयर इज नॉस्टिल्स आर क्लोज्ड, मेंटोबेगेलियन बोन क्या करती है? थोड़ा सा पुश करती है और बंद कर देती है। मुंह तो ऑलरेडी, माउथ तो क्लोज्ड ही है, माउथ क्लोज्ड, ये तो क्लोज्ड ही रहेगा। और अल्टीमेटली क्या होगा, जब ये पुशिंग होगी, यहां से पुशिंग होगी, तो अल्टीमेटली द एयर, कौन सी एयर यहां आएगी? देयर इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस एयर। यहां पर क्या होगा? देयर इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी टिश्यूज से, और वो इस बक्कल कैविटी में आ जाएगी। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ये पहला स्टेप है, और ये बिल्कुल इंस्पिरेशन का उल्टा हो रहा है। वहां ग्लॉटिस कब क्लोज्ड था, कब ओपन था,
ये तभी समझ आएगा, ये यहां मैंने क्यों ओपन रखा है, ये सारी चीजें तभी समझ आएंगी जब आप पिछले लेक्चर को देखेंगे। तो ये ध्यान रखिए, इसको समझने के लिए आपको पिछला लेक्चर देखना बहुत जरूरी है। अब यहां देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड कहां आ गई, इन दिस बक्कल कैविटी एंटर कर गई, ठीक है। अब बाहर निकालना है इसको। अब अल्टीमेटली क्या होता है, दीज लंग्स एम्प्टी हो गए, इन्फ्लेट हो, इन्फ्लेशन से एकदम से कंप्रेस हो गए। कैसा होगा ये, चलिए यहां देखते हैं। अब इस जगह देखते हैं, यहां से हम, मैं जल्दी से एक और एक हल्की सी, तो यहां हमारे पास आ गया नॉस्टिल्स। अब देखिए यहां हमने नॉस्टिल्स को खोलना है, तो नॉस्टिल्स कैसे खोलेंगे, ये प्री मैक्सिला आ गया, ये टंग है, एंड इज द मेंटोमिकिलियन बोन प्रेजेंट एट द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी, एंड फाइनली देयर इज रेजिंग ऑफ द बक्कल कैविटी। अब रेजिंग कैसे होगी, ये देखिए रेजिंग ऑफ द बक्कल कैविटी। क्यों रेजिंग हुई, देखो क्यों हुई, अब समझते हैं। क्योंकि यहां पर कॉन्ट्रेक्शन किसकी हुई, पेट्रोहाइल मसल्स की, ये देखिए पेट्रोहाइल मसल्स जो है, जो कहां पर थे, ऊपर, ये स्क्वायर मसल बोन। देखिए साथ साथ, इसीलिए मैं डायग्राम साथ साथ बनाता हूं और साथ साथ ही एक्सप्लेनेशन होती है। स्क्वायर मसल बोन आ गई, अब इनकी कंट्रैक्शन होगी, इनकी कंट्रैक्शन, ये देखिए ये मसल्स पेट्रोहायल मसल्स, पेट्रोहायल मसल्स अंडरगो कंट्रैक्शन, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले जो स्टर्नोहायल मसल्स हैं दे अंडरगो रिलैक्सेशन, ये रिलैक्स होंगे। सो दीज आर स्टर्नोहायल मसल्स रिलैक्स, क्लियर। अल्टीमेटली अल्टीमेटली क्या हो रहा है, यहां पर स्टर्नम तो होगी होगी, चलिए इसको भी कर लेते हैं। हर चीज इंपॉर्टेंट है भाई, ये समझ नहीं, ये बायोलॉजी में यही तो मजा है कि डायग्राम के साथ खेलना आना चाहिए। हम लोग मैक्सिमम क्या करते हैं, डायग्राम के साथ खेलते नहीं, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो बहुत सारे टीचर्स हमने देखे हैं, बहुत कम टीचर्स हैं जो मैं भी जिनको फॉलो करता हूँ, मेरे अपने टीचर बहुत सारे यूट्यूब पे टीचर हैं जिनको फॉलो करता हूँ, वो डायग्राम के साथ खेलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। अब यहां देखिए अल्टीमेटली क्या हुआ, ये मसल स्टर्नोहायल रिलैक्स हुए, यहां पर ये क्या हुए, कॉन्ट्रैक्ट हुए पेट्रोहायल। तीसरा पॉइंट क्या है, यहां देखिए लोअरिंग ऑफ द बक्कल कैविटी हुआ था जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, लेकिन अब क्या हुआ, देर इज रेजिंग ऑफ बक्कल कैविटी, रेजिंग ऑफ बक्कल कैविटी। अब अल्टीमेटली क्या होगा, देखिए यहां पर जो लंग्स थे, देखिए इसका साइज, और ग्लॉटिस जो होगा एम्प्टी लंग्स, ये देखिए क्योंकि ऑक्सीजन तो एक्सचेंज हो गई, यहां पर आपने देखा था ना, कार्बन डाइऑक्साइड अगर यहां आई तो ऑक्सीजन इसके अंदर टिश्यूज के अंदर चली गई, तो अब ये एम्प्टी हो गए, और अल्टीमेटली ग्लॉटिस क्या हो गया, देखो एक और चीज, यहां ग्लॉटिस ओपन है और यहां ग्लॉटिस क्लोज्ड हो गया। अब ग्लॉटिस क्लोज है, रेजिंग ऑफ बक्कल कैविटी है, अल्टीमेटली
ये ऑयसोफेगस है, और यहां क्या होगा, एयर जो यहां पर थी कार्बन डाइऑक्साइड था, कार्बन डाइऑक्साइड देयर इज कंप्रेशन ऑफ द बक्कल कैविटी, रेजिंग हुई, कंप्रेशन हुई एंड अल्टीमेटली अल्टीमेटली नॉस्ट्रिल्स ओपन, नॉस्ट्रिल्स खुल गए एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड हो गई। अब देखो ये है एक्सपायरेशन। अगर आप इन दोनों डायग्राम्स को देखो तो दोनों में क्या है, और इंस्पिरेशन की डायग्राम देखो, दोनों उल्टी है, दोनों एक दूसरे की रिवर्स है। यहां जहां ग्लॉटिस क्लोज्ड था वहां देयर इज लोअरिंग ऑफ द बक्कल कैविटी था, और यहां देखो क्या हो रहा है, यहां ग्लॉटिस ओपन है, देयर इज लोअरिंग ऑफ द बक्कल कैविटी, क्योंकि दोनों मैकेनिज्म ही सेपरेट है। तो वही बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, जो पिछला लेक्चर देखेगा उसी को समझ आएगा, गोटा लगाने वाली क्रैमिंग वाली बात नहीं, ये समझने वाली बात है फ्रॉग को। अंडरस्टूड। और अब लास्ट बात जो हम कहना चाहता हूं मैं, वो है कि इनएफिशिएंसी ऑफ द लंग्स। यहां हम इनएफिशिएंट लंग्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि रीसेंट फाइंडिंग्स क्या कहती हैं, देर आर फाइंडिंग्स दैट द नॉस्ट्रिल्स रिमेन ऑलवेज ओपन थ्रू आउट द रेस्पिरेशन, वो खुले ही रहते हैं। एंड व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन मिक्स्ड एयर enters into the lungs, और mixed air ही leaves the lungs। ये सिर्फ these are recent studies में ये कहा गया है, तो अलग अलग books में होता है, लेकिन मैकेनिज्म अल्टीमेटली यही चलता है। नॉस्ट्रिल्स इंस्पिरेशन में कब क्लोज्ड होते हैं, कब ओपन होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, और एक्सपायरेशन में नॉस्ट्रिल्स कब क्लोज्ड होते हैं, कब ओपन होते हैं, किस तरह से, कब लोअरिंग ऑफ द बक्कल कैविटी होता है, कब रेजिंग ऑफ द बक्कल कैविटी होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, बहुत बढ़िया था, पूरी मेहनत के साथ बनाया गया है। डू लाइक एंड सब्सक्राइब, और देखते रहिए आगे। अब जो आने वाला लेक्चर होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है सर्कुलेशन इन फ्रॉग्स, तो उसको भी इसी तरह डायग्रामेटिकली लेंगे। ज्यादा पॉइंट्स लिखने में मैं बिलीव नहीं करता हूं, कि डायग्राम अगर आपको समझ आ गई वहीं पे एक्सप्लेन कर दिया, इट इज डन। और याद रखिए अपने फोकस रखिए, बस फोकस रखिए, और जरूर आपको सक्सेस मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।